आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट, कानपुर में लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का चकेरी थाने में धरना, ये अपडेट है ताजा। जय श्री राम के नारे लगाकर इन कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर किया। लव जिहाद के मामले में पुलिस पर इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। लव जिहाद के मामले में आरोपी पर शांति भंग की कार्रवाई का भी आरोप लगाया और बजरंग दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। कानपुर की तस्वीरें आप देखिए, थाने में ही धरना दे दिया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और लव जिहाद के मामले में इन्हें धरना चल रहा है, लापरवाही का आरोप लगा रही है पुलिस के ऊपर, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आरोपी। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। इधर मैनपुरी के भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज किशनी में डोर टू डोर कैंपेन किया, जनसंपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में मुलायम सिंह को छोड़कर जो भी सांसद बने उनके जनप्रतिनिधि या चापलूसी जनता से बात करते हैं। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। रघुराज शाक्य का मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव से सीधा मुकाबला है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बदलाव की इबारत लिखना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने पूरा जोर इस उपचुनाव में लगा दिया है। और उपचुनाव वैसे नीरस होते थे लेकिन इस बार जो कहा जाए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव है, सियासी तपिश इतनी बड़ी हुई है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो क्या देखते हैं प्रत्याशी महोदय रघुराज जी, क्या लग रहा है, कैसे जा रहा है इलेक्शन? मैनपुरी जनता बदलाव चाहती है, यहाँ जो होते रहे नेताजी को छोड़ के कोई जनता के बीच में नहीं आता था। उनके कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में कुछ चापलूस लोग थे, वो जनता से कभी किसी को मिलने नहीं देते थे। किस तरीके से, क्योंकि आप भी समाजवाद से आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, शिवपाल जी कल कह रहे हैं कि वो हमारे शिष्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। सैफई कुनबे को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से निकल कर पहुँचे हैं और आप बीजेपी का दामन। देखिए, हमने 2012 में, इन्होंने हमें 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा दिया, आप अकेले हो गए, नहीं हुए अकेले हो गए, जितने थे इनके साथ थे सब अकेले रह गए, खड़े रह गए। तो हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गया, पार्टी का जो निर्देश होगा पालन करना पड़ेगा, नभी तो ज्वाइन की नहीं हमने, हमने विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करने का काम किया था, अब पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किशनी से भी अच्छे वोट यहाँ हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए किशनी पर भी फोकस बना हुआ है और यही वजह है कि आज डिप्टी CM केशव मौर्य किशनी में है, तमाम नेता किशनी में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो BJP कैंडिडेट है रघुराज शाक, वो भी किशनी की जनता से वोट मांग रहे हैं। किशनी से नितिन उपाध्याय, ABP। और एक तरफ भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने डोर टू डोर कैंपेन किया तो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उनके लिए जनसभा की और इस दौरान उन्होंने शिवपाल और सपा परिवार पर जमकर प्रहार किए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर ये साइकिल वाले आ गए तो उत्तर प्रदेश में गुंडई होगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने साइकिल को त्याग करके कमल के फूल को अपनाने का काम किया। 2022 के लोकसभा का यह उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और 2022 के लोकसभा चुनाव में एक बात और सब लोग ध्यान रखना और लोगों को बता देना, 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया है और 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 27 के बाद आने वाले 25 साल तक मैंने देखवाया, एक ज्योतिषी मित्र थे मेरे, मैंने उनसे पूछा क्या भविष्य अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा 25 साल 27 के बाद 25 साल तक इनके सत्ता में आने का कुंडली में योग ही नहीं है। इटावा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब रेलवे इंक्वायरी अनाउंसमेंट सेंटर से डिंपल यादव के समर्थन में नारे लगने लगे और इसके बाद वहां पर मौजूद यात्रियों ने इसका विरोध किया। बताया यह गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने अनाउंसमेंट सेंटर में जबरदस्ती घुसकर नारेबाजी की। इसके बाद इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की गई और अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं।
जो रेलवे की इंक्वायरी है यहाँ से राजनीतिक नारे लगाए गए, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद। इसके बाद पब्लिक ने विरोध किया तो फिर उनने माफ़ी मांगी और उसे मतलब गुमराह करने की एकदम उसे रफा दफा करने के रेलवे प्रशासन ने काम किया। उतना जानकारी नहीं, ये बताया कि 8-10 आदमी अज्ञात आदमी के में घुसे थे इंक्वायरी में, इसलिए बस। इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है क्या मोटा मैटर, वो उन्हीं से पता चलेगा। पॉलिटिकल अनाउंस यहां से हुआ। हां जी, डिंपल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। डिंपल हो चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला भी था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।